दोस्तों आज हम बात करेंगे हॉलीवुड के मजेदार फैक्ट के बारे में, कुछ ऐसी फैक्ट जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हर एपिसोड में आप लोगों का बहुत ही ज्यादा प्यार मिलता है, इसलिए थैंक यू सो मच ऑल। क्या दोस्तों आपको मालूम है, स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम हॉलीवुड की पहली लाइव एक्शन मूवी है जिनको रोटेन टोमेटो पर हाईएस्ट रेटिंग मिली है। स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम को रोटेन टोमेटो पर मिले थे 93% और ऑडियंस स्कोर था 98%। स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम मूवी को जितने स्कोर मिले हैं उतने स्कोर हॉलीवुड के किसी भी लाइव एक्शन मूवी को कभी नहीं मिले। दोस्तों स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम चाहे कितने भी पैसे कमा ले या फिर कितनी भी रेटिंग मिल जाए, फिर भी स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम मूवी स्पाइडरमैन 1 और स्पाइडरमैन 2 मूवी का मुकाबला कभी नहीं कर सकती। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम मूवी और स्पाइडरमैन 1 और 2 मूवी, इसमें से कौन सी मूवी आपको बेस्ट लगी, ये हमें जरूर बताना। दोस्तों बहुत सारे व्यूवर्स ने मुझे पूछा है कि आपने कैप्टन मार्वल मूवी को फ्लॉप कैसे कह दिया। तो मैं आपको बता दूं कि कैप्टन मार्वल मूवी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स सबसे घटिया मूवी है। दोस्तों कैप्टन मार्वल मूवी ने भले ही कितने भी पैसे कमा लिए हों, लेकिन यह मूवी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सबसे बेकार मूवी है। दोस्तों मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि कैप्टन मार्वल मूवी बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड फीमेल सुपर हीरो है। इसमें बहन जी के पास इतनी पावर है कि पूरे स्पेस शिप को 5 सेकंड में तोड़ फोड़ सकती है। कैप्टन मार्वल ने तो सुपरमैन की भी माँ बहन एक कर दी, 5 सेकंड में पूरी शिप को तहस नहस कर देती। भाई इतनी पावर तो सुपरमैन के पास भी नहीं है। दोस्तों मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि ओवर पावर्ड सुपर हीरो ज्यादातर ऑडियंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। दोस्तों अवतार मूवी में पानी का यह सीन ऑडियंस को बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं था कि यह एक कंप्यूटर ग्राफिक्स पानी है। बहुत सारे देशों में यह शर्त लगी थी कि यह एक रियलिस्टिक पानी है, लेकिन जेम्स कैमरून ने कहा कि यह एक 100% कंप्यूटर ग्राफिक्स पानी है। तब जाकर लोगों को विश्वास हुआ कि सच में यह एक कंप्यूटर ग्राफिक्स पानी है। दोस्तों यह पानी इतना रियलिस्टिक पानी है कि आप बिल्कुल भी पहचान नहीं पाओगे कि यह एक कंप्यूटर ग्राफिक्स पानी है। क्या दोस्तों आपको मालूम है, स्कारलेट जोहानसन ने अवेंजर्स मूवी की शूटिंग के दौरान चड्डी नहीं पहनी थी, सॉरी दोस्तों अंडरवियर नहीं पहनी थी। स्कारलेट जोहानसन ने अवेंजर्स मूवी की शूटिंग बिना अंडरवियर पहने की थी, क्योंकि स्कारलेट जोहानसन कॉस्ट्यूम विथ अंडरवियर कंफर्टेबल नहीं थी, इसलिए स्कारलेट जोहानसन ने विदाउट अंडरवियर अवेंजर्स मूवी की शूटिंग कंप्लीट की थी। वैसे दोस्तों स्कारलेट जोहानसन का कौन सा बॉडी पार्ट आपको ज्यादा पसंद है, ये हमें जरूर बताना, हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। दोस्तों आपने किंग कॉन्ग मूवी में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग का ये सीन तो देखा ही होगा। दोस्तों ये बिल्डिंग इतनी रियलिस्टिक है कि आप बिल्कुल भी पहचान नहीं पाओगे कि यह 3D CGI बिल्डिंग है। यह सारी बिल्डिंग को बनाने में कम से कम 14 महीने का वक्त लगा था। दोस्तों इस सीन को बनाने में 14 महीने लगे थे, क्योंकि इस सीन में 5000 से भी ज्यादा बिल्डिंग्स को CGI से बनाया गया था, इसीलिए इस सीन को क्रिएट करने में इतना लंबा टाइम लग गया था। इसी वजह से किंग कॉन्ग मूवी को विजुअल इफेक्ट का ऑस्कर भी मिला था। वैसे किंग कॉन्ग मूवी आपको कैसी लगी, हमें जरूर बताना। तो दोस्तों हाल ही में न्यूज रिपोर्टर ने अवतार 2 के मेकर्स का इंटरव्यू लिया था, जिसमें साफ साफ पता चल रहा था कि अवतार 2 के मेकर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे थे, और अवतार 2 के मेकर्स बार बार एक ही बात कह रहे थे कि अवतार 2 मूवी जब रिलीज होगी तब यह मूवी पूरी दुनिया में हाहाकार मचा देगी। अवतार 2 के मेकर जेम्स कैमरून की बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहे थे। दोस्तों पूरी दुनिया में अवतार 2 के लास्ट फाइट सीन की चर्चा बहुत ही ज्यादा चल रही है, क्योंकि अवतार 2 का लास्ट फाइट सीन आधे घंटे का होने वाला है, जिसके ऊपर अवतार 2 के मेकर्स पानी की तरह पैसा खर्च कर रहे हैं। अवतार 2 का लास्ट फाइट सीन इतना जबरदस्त होने वाला है कि दुनिया उस सीन को देखते ही रह जाएगी।
ऐसा मेकर्स का कहना है। दोस्तों, दावा किया गया है कि अवतार 2 25,000 करोड़ कमा सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि अवतार 2 मूवी अवेंजर एंड गेम का भी रिकॉर्ड आसानी से तोड़ेगी। बहुत सारे व्यूअर ने पूछा कि ब्लैक ड्वार्फ और हल्क में से किसकी हाइट ज्यादा है। दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, कोई भी मूवी में देखकर बता सकता है कि हल्क और ब्लैक ड्वार्फ में से किसकी हाइट ज्यादा है। दोस्तों, हल्क और ब्लैक ड्वार्फ इनमें से ब्लैक ड्वार्फ की हाइट ज्यादा है। क्या दोस्तों आपको मालूम है, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में 3 सुपर हीरो हैं जिसको मूवी में सबसे ज्यादा रनिंग टाइम मिला है। पहले नंबर पर है आयरन मैन यानी कि रॉबर्ट डॉनी जूनियर, दूसरे नंबर पर है थॉर और तीसरे नंबर पर है कैप्टन अमेरिका। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स मूवी में आयरन मैन को 6 घंटे और 41 मिनट का टोटल रनिंग टाइम मिला था और थॉर को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स मूवी में 4 घंटे 36 मिनट का टोटल रनिंग टाइम मिला था और कप्तान अमेरिका को पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स मूवी में 3 घंटे 49 मिनट का टोटल रनिंग टाइम मिला था। क्या दोस्तों आपको मालूम है, ब्लैक पैंथर मूवी को पहले 2018 में रिलीज करने की प्लानिंग मेकर्स ने की थी, लेकिन बाद में ब्लैक पैंथर मूवी को 2016 में ही रिलीज कर दिया गया था। केविन फैगी नहीं चाहते थे कि ब्लैक पैंथर मूवी को 2018 में रिलीज किया जाए। वैसे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक ही आदमी है जिसके पास पैसे छापने की मशीन है और उस आदमी का नाम है केविन फैगी। तो ऐसी ही हॉलीवुड न्यूज सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको क्लिक करना ना भूलें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियोस आप देख पाएं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।